वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 30 अगस्त 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है साथियों 30 अगस्त को। साथियों मैं प्रत्येक दिन आपको बताता हूँ इम्पोर्टेंट डे साथियों अगस्त महीने की। आज आपको बताना है कम से कम 5 महत्वपूर्ण डे साथियों अगस्त महीने के कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत किस देश को G20 2024 की अध्यक्षता सौंपी है साथियों? तो भारत ने ब्राज़ील को G20 2024 की अध्यक्षता सौंपी है साथियों। किस देश को? ब्राज़ील को। अब ब्राज़ील को सौंपी है साथियों, तो ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्रासिलिया। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है लूला डा सिल्वा और ब्राज़ील की करेंसी है रियाल। अब साथियों G20, तो G20 की स्थापना हुई थी 1999 को और G20 को पहली पहचान साथियों 1997 में G7 के रूप में हुई थी। G20 में साथियों 20 मेंबर हैं, 90 कंट्री हैं और एक यूरोपीय यूनियन है साथियों G20 में। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध को हटा दिया है साथियों? तो श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध को हटा दिया है फीफा ने साथियों। अब फीफा ने हटाया है श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से, तो सबसे पहले जानेंगे श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनमपुरम, श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं रानिल विक्रम सिंधे और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धना। साथियों भारत और श्रीलंका के बीच है आदम का पुल, उसी का नाम है राम सेतु साथियों। क्या नाम है? राम सेतु साथियों। अब फुटबॉल देखो साथियों, फुटबॉल का जन्म किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। और फीफा जो है वो फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। अगर आपसे मैं पूछ दूँ कि फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है तो क्या बोलोगे? ज्यूरिख में इसका हेडक्वार्टर है और ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड में। साथियों स्विट्जरलैंड से भी एक प्रश्न बनता आपका है कि ये स्विट्जरलैंड जो है ये यूरोप कॉन्टिनेंट का देश है और स्विट्जरलैंड को बोलते हैं प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। साथियों फीफा की स्थापना जो हुई थी वो 21 मई 1904 को हुई थी और फीफा के प्रेसिडेंट हैं ज्ञानी इन्फेंटिनो। कौन है फीफा के प्रेसिडेंट? ज्ञानी इन्फेंटिनो। स्थापना कब हुई? तो 21 मई 1904 को हुई। साथियों फुटबॉल में, हॉकी में, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। और भी कुछ महत्वपूर्ण खेल हैं जैसे कि रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं साथियों? तो 5 खिलाड़ी होते हैं, जिमनास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो कबड्डी और नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं, और पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं साथियों? तो 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो में। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य की अंग्रेजी के महान कवि जयंत महापात्रा का 95 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है? तो ओडिशा के साथियों प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि थे जिनका नाम था जयंत महापात्रा, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है 95 वर्ष की अवस्था में। साथियों इनका जन्म जो हुआ था जयंत महापात्रा का 22 अक्टूबर 1928 को ओडिशा के कटक में हुआ था। साथियों कटक से एक प्रश्न बनता है, चावल अनुसंधान संस्थान जो आपका है ये कहाँ पर है? तो कटक में है। कहाँ पर है? कटक में। अब साथियों ओडिशा, तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और ओडिशा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। साथियों ओडिशा में राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है। गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है जो ओडिशा का जिला है। ओडिशा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है। ओडिशा में बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में साथियों। ओडिशा में साथियों दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है जिसका नाम है भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम जो ओडिशा के राउरकेला में है। साथियों चिल्का अभयारण्य ओडिशा में है और चिल्का झील भी है खारे पानी की सबसे बड़ी झील। सिम्बलीपाल अभयारण्य ओडिशा में है, कहाँ पर है? तो ओडिशा में साथियों। गहिरमठ वन्यजीव अभयारण्य, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसीपल्ली वन्यजीव अभयारण्य, बद्रमा वन्यजीव अभयारण्य,
नंद कानन वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन सा तो नंद कानन वन्य जीव अभ्यारण्य, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व और करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है साथी, तो ओडिशा में है। कहाँ पर है, ओडिशा में। साथियों प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर ओडिशा के पुरी में ही है। अब अगला प्रश्न आपका है, अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 30 अगस्त को। साथियों 30 अगस्त को मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं जो साथियों कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, जैसे कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई, विश्व हिंदी दिवस 10 मई, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, विश्व टीवी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है, 27 मार्च को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को, विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई को, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 मई को। साथियों को फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि यह एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई, साथियों विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व टीवी दिवस 24 मार्च, विश्व थिएटर दिवस, साथियों उसको बोलते हैं रंगमंच दिवस, 27 मार्च को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व मजदूर दिवस 1 मई, विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई और विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है, तो 31 मई को मनाया गया है। साथियों अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में कौन सा देश महिला रोबोट बायोमित्र को स्पेस में भेजने की घोषणा की है, तो अपने देश प्यारे भारत ने साथियों अभी हाल ही में बायोमित्र को साथियों स्पेस में भेजने की घोषणा की है। ये एक महिला रोबोट है साथियों, इसरो के महिला बायोमित्र रोबोट को गगनयान मिशन के तहत इसी साल स्पेस में भेजा जाएगा। साथियों बायोमित्र जो साथियों है क्या है, तो हाफ ह्यूमनॉइड्स एक प्रोटोटाइप है जिसे मानव रहित गगनयान मिशन के लिए तैयार किया गया है। फिर से साथियों मैं बोल रहा हूँ, इसरो के महिला बायोमित्र रोबोट को गगनयान मिशन के लिए तैयार किया गया है और यह गगनयान मिशन इसी साल साथियों स्पेस में भेजा जाएगा। बायोमित्र हाफ ह्यूमनॉइड एक प्रोटोटाइप है जिसे मानव रहित गगनयान मिशन के लिए तैयार किया गया है। साथियों देखो चंद्रमा के लिए तैयार किया गया, तो चंद्रमा का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, सेलेनोलॉजी कहलाता है। साथियों चंद्रमा पर जो धूल के मैदान है उसे शांति सागर कहते हैं। जो चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकार में रहता है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित है लिबनिटीज पर्वत जो चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करती है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करती है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक ही भाग हमें दिखाई पड़ता है और पृथ्वी से हम चंद्रमा का 57% हिस्सा दिखाई देता है। इसे जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं। यहाँ वायुमंडल नहीं है और चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का 1/6 भाग है। साथियों चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकेंड ये कब लॉन्च किया गया था ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों भारत ने अभी हाल ही में 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया था और भारत ने 23 अगस्त 2023 को अपने चंद्रयान 3 मिशन को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारा, जिसमें साथियों यह चौथा देश बन गया उतारने वाला चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक साथियों चंद्रयान मिशन को। साथियों सबसे पहले उतारा था अमेरिका ने साथियों, उसके बाद रूस ने, उसके बाद चीन ने और चौथा कौन बना, हमारा प्यारा देश भारत। साथियों चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना है। चंद्रयान 3 यूट्यूब पर दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला लाइव स्ट्रीम बना है। साथियों चंद्रयान 3 में बहुत सारे लोगों ने बहुत विशेष भूमिका निभाई थी, जैसे कि विक्रम साराभाई, अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक का नाम क्या है, डॉक्टर एस उन्नीकृष्ण नायर। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था, 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, वर्ष क्या, 2023। चंद्रयान 3
श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को शुक्रवार को भारतीय समय के अनुसार 2:35 पर साथ ही वो लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण में किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया साथियों, तो GSLV का प्रयोग किया गया। साथियों GSLV का फुल फॉर्म क्या होगा? चंद्रयान 3 में प्रयुक्त प्रणोदन मॉड्यूल का द्रव्यमान कितना है साथियों? तो चंद्रयान 3 में प्रयुक्त प्रणोदन मॉड्यूल का द्रव्यमान था 2148 किलोग्राम। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर को क्या कहा गया है? विक्रम। और रोवर को साथियों क्या कहा गया है? प्रज्ञान। साथियों किस तारीख को लैंडर को प्रोपल्सन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग किया गया था साथियों? 17 अगस्त को किया गया था। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान ने दूसरा डी बूस्टिंग पैतरेबाजी कब की थी? तो 19 अगस्त को की थी। कब की थी? 19 अगस्त को। साथियों इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है और बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर भी है। चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन थे? ऋतु करंदीकर थे। चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना था? 3900 किलोग्राम था। और मिशन चंद्रयान 3 की कुल लागत कितनी थी? तो 600 करोड़ थी साथियों। कितनी थी? 600 करोड़। अगला प्रश्न आपका है, भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक किस शहर को मिला है? तो हैदराबाद को मिला है साथियों। और हैदराबाद है मूसी रिवर के किनारे, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना की स्थापना कब हुई? 2 जून 2014 को। किससे अलग होकर के? आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। कवाल वन्यजीव अभयारण्य, अमराबाद बाघ रिजर्व और कशु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क तेलंगाना में है। साथियों चार मीनार हैदराबाद में है जिसका निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने। हिमायत सागर और सरोवर नगर झील कहाँ है? हैदराबाद में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। पाक कला का शहर कहा गया है यूनेस्को के द्वारा किसको? तो हैदराबाद को। साथियों यूनेस्को की स्थापना कब हुई ये बता देना है आपको कमेंट बॉक्स में। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है साथियों। कालेश्वरम परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। समकाका सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। और किस जिले में है? तो मुलुगु जिले में है साथियों। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में दुनिया की पहली 100% एथेनॉल ईंधन वाली कार को लॉन्च किया है साथियों? तो नितिन गडकरी ने 100% एथेनॉल ईंधन वाली कार को लॉन्च किया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में साथियों। अब नितिन गडकरी तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। साथियों और भी कुछ मंत्रालय हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे संस्कृत मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो राजकुमार सिंह साथियों। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत साथियों। रेल मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। इस्पात मंत्री कौन है साथियों? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं केंद्रीय इस्पात मंत्री। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी साथियों। कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है साथियों। ये महत्वपूर्ण मंत्रालय था जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो कश्मीर में होगा साथियों। अब कश्मीर में होगा तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। डांची ग्राम अभ्यारण्य और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है साथियों। तुलबुल परियोजना झेलम रिवर पर जम्मू कश्मीर में है और पालकतुल जल विद्युत परियोजना मारूसुदर नदी पर है जम्मू कश्मीर में साथियों। अगला प्रश्न आपका है, विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला किस देश में पाया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है साथियों, विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला। अब साथियों देखो, एक 64 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई महिला के मस्तिष्क से सर्जरी के दौरान 8 सेंटीमीटर का जीवित कीड़ा निकाला गया था साथियों। और ये पहला मामला कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। तो ऑस्ट्रेलिया का है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा।
ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है एंटोनियो अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। साथियों, मालाबार नेवल एक्सरसाइज का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और इसमें भारत के तरफ से INS कोलकाता और INS सह्याद्री ने पार्टिसिपेट किया था। साथियों, अब साथियों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल के जो टेस्ट के विजेता हमारे थे वो संदीप कुमार जी थे। साथियों, कल का जो 5 प्रश्न था वो प्रश्न क्या था? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। G20 की स्थापना कब हुई? 1999 में हुई। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में है। और साथियों, 5वां प्रश्न था, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। साथियों, आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? दूसरा प्रश्न आपका है, मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ होगा? और तीसरा आपका है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो इस 3 प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों, ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छा लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।